ऑफ फ्लेवर कोस्टर। मैं हूँ गीता। आज मैं आपके साथ एक बेक डिश की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो है बेक्ड पोटैटो स्क्वेयर्स। इसमें पोटैटो का स्टफिंग है और इसकी कवरिंग है। ये काफ़ी टेस्टी होता है और बेक्ड भी है तो ज़्यादा हेल्दी भी है। फ्राइड नहीं किया है हमने उसको। आप उसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए देखते हैं उसे कैसे बनाना है। इसके लिए मैंने आलू ले लिए हैं, 4 मीडियम साइज़ के आलू हैं। उसको मैंने बॉईल कर दिया है। 2 टेबलस्पून मैंने सार क्रीम ले लिया है, थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन, ये थोड़ा गार्लिक है, इसको हम ग्रेट करके डालेंगे। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें क्रीम चीज़ लिया है। अगर आपके पास क्रीम चीज़ नहीं है तो आप इसमें हंग कर्ड भी ले सकते हैं। चिली फ्लेक्स, सॉल्ट, और ये मैंने स्प्रिंग रोल की जो शीट्स आती है रेडी पैकेट्स में, वो वाले ले लिए। पहले हमें आलू को मैश कर देना है। इसे मैं अच्छी तरह से मैश कर देती हूँ। आलू हमारे मैश हो चुके हैं। इसमें अब हम बाकी इंग्रेडिएंट्स डाल देते हैं। ये हमारा सार क्रीम, अनियन, चिली फ्लेक्स, गार्लिक, क्रीम चीज़ और सॉल्ट। बहुत सिंपल है ये। कभी भी आपको ऐसे चाहिए तो आप बना के भी फ्रीज़र में रख सकते हैं, कोई गेस्ट आता है तो। बहुत इजी है बनाने में, ज़्यादा टाइम भी नहीं चाहिए और ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं चाहिए। जैसे मैंने कहा, आपको चीज़ क्रीम चीज़ नहीं है तो आप उसमें हंग कर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। और सार क्रीम बनाना भी बहुत आसान है। आप फ्रेश क्रीम में, ठंडी वाली फ्रेश क्रीम में लेमन डाल दीजिए और सॉल्ट डाल दीजिए और अच्छे से मिक्स कर दीजिए। हो गया सार क्रीम। इसको हम मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। ये हमारा रेडी हो गया मसाला। इसे हम बेक करने वाले हैं, इसलिए मैंने अपना ओवन हीट करने के लिए रख दिया है 180 डिग्री पे। अभी ये जो शीट्स हैं इसको कवर करके रखनी पड़ेगी, नहीं तो आपकी ड्राई हो जाएगी। इसको फोल्ड करेंगे हम लोग हाफ। थोड़ा सा मैंने ये स्लरी बनाया है आटे और पानी का, ये थोड़ा सा हम उसमें लगा देंगे ताकि वो खुले नहीं। फिर हम उसको दूसरा एक टर्न करेंगे ऐसे। फिर हम ये थोड़ा जो मसाला है वो हम इसमें डाल देंगे। और ये जो स्लरी बनाई है हमने वो हम इसको साइड पे रख देंगे, लगा देंगे ताकि ये अच्छे से पैक हो जाए। अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसको यहाँ से एक साइड से थोड़ा सा और भी ऊपर लगा सकते हैं ताकि वो बराबर से चिपक जाए तो खुले नहीं। वैसे यहाँ ऐसे, और फिर एक और स्क्वायर। और ओवन पे, बेकिंग ट्रे पे हम उसको ऐसे उल्टा करके रख देंगे ताकि वो खुले नहीं। ऐसे इसी तरह हम सब बना लेंगे और फिर हम उसको बटर से पूरा ग्रीस कर लेंगे। ये सब हमारे हो चुके हैं। इसको हम अच्छे से भी बटर से ब्रश कर लेंगे ताकि ये जो ऊपर का जो हमारा बन रहा है, नीचे से तो मैंने ब्रश किया है बटर से, ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगा बटर की वजह से, उसका टेस्ट अच्छा आएगा। इसे मैं अभी 15 to 20 minutes के लिए रख रही हूँ बेक करने के लिए। जैसे होता है फिर मैं आपको बता दूँ। ये हमारे हो चुके हैं, बहुत अच्छा कलर आया देखिए। इसे अराउंड 20 मिनट्स मैंने रखा है ओवन में। मैंने 15 मिनट्स रेगुलर मोड पे रखा था और 5 मिनट्स मैंने टॉप मोड पे रखा था ताकि जो उसका जो गोल्डन कलर है वो आ जाए। थोड़ा सा अभी ठंडा होगा फिर ही आप उसको खाइए, बहुत गर्म होता है ये। इसका अब हम प्लेटिंग कर लेते हैं। इसे हम सर्व कर रहे हैं ग्रीन चटनी, सेजवान चटनी और इमली की चटनी। आप उसको किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है।
ये हमारे रेडी हैं पोटैटो स्क्वेयर्स, बहुत टेस्टी और बहुत क्रिस्पी। देखिए, आप उसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको बेक नहीं पसंद है आप तो उसको फ्राई भी कर सकते हैं, पर बेक में भी वही टेस्ट आता है, तो वाई इट मोर ऑयल, तो टेस्ट इसमें भी बहुत अच्छा आता है। आप उसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए आपका ये कैसे बना। ओके, बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, एंजॉय।